सरकारी स्कूल की छत टूटने के बाद स्कूली बच्चे सड़क पर आ गए हैं। पिछले एक सप्ताह से स्कूली छात्र सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। दरअसल बेगपुर में विद्यालय नंबर 60 किराए के मकान पर चलता है, मकान बिना बताए तोड़वा दिया। वहीं देखा जाए तो नीचे की इमारत जर्जर है, जो कभी भी गिर सकती है, और हल्की बारिश होने पर छत टपकने लगती है, जिसके कारण छत में सीलन लगी है तो वहीं प्लास्टर भी गिर रहा है। जानकारी के अनुसार विद्यालय 60 साल पुराना है और बेसिक शिक्षा विभाग यहां मात्र 40 रुपए का किराया देता है। इस विद्यालय में न तो बिजली है और न ही शौचालय। इन परिस्थितियों में शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। बता दें कि बेगपुर की गली में घुसते ही एक शोर सुनाई देता है। शोर से पता चलता है कि छात्र सड़क पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन छात्रों को स्कूल की बिल्डिंग नसीब नहीं है और दोनों तरफ नाली और सड़क पर दरी बिछा कर पढ़ाई हो रही है। इस गली के बीच से साइकिल और मोटरसाइकिल निकलती है। इन सब से बच्चों के पढ़ाई पर व्यवधान पड़ रहा है और पिछले एक सप्ताह से यही सब चल रहा है। वहीं स्मार्ट क्लास की बात करने वाले विभाग के संज्ञान में पूरा मामला है, फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हैं। इस दौरान स्कूल के छात्र मानव ने बताया कि हमारे स्कूल की छत तोड़वा दी गई है, बिजली नहीं है, सड़क पर पढ़ने को मजबूर हैं। डीएम अंकल से मेरा निवेदन है कि मेरा स्कूल जल्द ही दिलवा दें। साथ ही स्कूल की प्रधानाचार्य हेमलता ने बताया कि स्कूल की छत को मकान मालिक ने 11 जुलाई को बिना बताए तोड़वा दिया। उन्होंने बताया कि बच्चों की स्कूल में बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई है, नीचे के कमरे की छत गिराऊ है और अंदर खतरा है, इसलिए बच्चों को बाहर पढ़ाने के लिए हम मजबूर हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर शिक्षा अधिकारी यहां आ चुके हैं और स्कूल की बिल्डिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं सहायक अध्यापिका गरिमा ने बताया कि यहां 110 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, डेली 90 के करीब छात्र उपस्थित रहते हैं। सड़क पर पढ़ने के कारण कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए हैं। स्कूल की छत को मकान मालिक ने तुड़वा दिया और नीचे बने एक कमरे की छत चिटक गई है। अभिभावक भी अपने बच्चों को लेकर गंभीर हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी पूरे मामले से अवगत हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मानव। मानव, कैसा लगता है यहाँ आप खुले आकाश के नीचे पढ़ रहे हैं? हमारी छत पर है ना, हमारे स्कूल की छत तोड़वा दी गई है और लैट्रिन बाथरूम भी नहीं है, ना लाइट है, और हम सर सड़क पर पढ़ते हैं और हमारा स्कूल तोड़वा दिया जाए डीएम साहब से। डीएम साहब से क्या चाहते हो? स्कूल चाहते हो? स्कूल में बैठ के पढ़ना चाहते हैं? ना लाइट है हमारे स्कूल में। खाना वाना कैसा मिलता है बेटा तुम्हें? खाना मैडम, ये बच्चे कितने दिन से सड़क पे पढ़ रहे हैं? क्या भैया, ये 11 तारीख से। जी जी, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है विभाग की तरफ से? हमारे अधिकारी लगे हुए हैं लेकिन अभी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ किस तरह की समस्या आ रही है आपको? यहाँ सर छत तोड़वा दी गई है। हाँ। और छत से पानी भी आता है अंदर, पेंटिंग भी गिरी है, ईंट सीमेंट के टुकड़े गिरे हैं, तो इसलिए हम बच्चों को अंदर नहीं बैठा सकते। गिराऊ बिल्डिंग है, गिराऊ जर्जर भवन है, खतरा है अंदर बैठने, अंदर खतरा है। यहाँ बिजली, गर्मी में लोग बच्चे, बिजली नहीं है इसमें, शौचालय भी नहीं है, बच्चे गर्म, बच्चे खर्च आते हैं, बच्चे परेशान हैं यहाँ पे जिस तरीके से रोड पे पढ़ रहे हैं। जी, बच्चे परेशान।
यहाँ नगर शिक्षा अधिकारी आई थी, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया। मैडम हमारी यहाँ कई बार आ चुकी हैं, हाँ, और वो कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक स्कूल की बिल्डिंग नहीं मिल पाई है। अभी नहीं मिल पाया है, जब हो जाएगा तो मैडम हमें तुरंत सूचित करेंगे। विद्यालय नंबर 7 है जो यहाँ 110 नामांकन है जी जी, और डेली 95 के लगभग बच्चे डेली आते हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने दूसरी जगह भी यहाँ से चले गए हैं। तो बच्चे यहाँ सड़क पर ही क्यों शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वजह? बिल्डिंग थोड़ा सा बेटर इसका है, तो चटक रही है बिल्डिंग, बहुत जगह से चटक गई है, काफ़ी जगह काफ़ी बार गिर भी चुकी है ऊपर से, तो इस चक्कर में बच्चे थोड़ा सा घबरा रहे हैं, गार्जियन भी बैठाने को तैयार नहीं है। सोचते कि चलो कर लेंगे हम, बचा लेंगे। ऊपर के अधिकारियों को संज्ञान में है ये? सब संज्ञान में है, वो खैर वो भी कर रहे हैं व्यवस्था, जो भी है जो हो सक रहा है वो कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा गरिमा रानी। आपका? हारिस। क्या मतलब इस तरीके से शिक्षा विभाग जो होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, जिस तरीके से 6-7 दिन से जो है ये रोड पे आ गए हैं, बिल्डिंग नहीं है, तो कैसा मतलब जो है बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है? बच्चों की पढ़ाई पे तो सर कोई असर ही नहीं हो पा रहा होगा, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, हम लोग खुद बात करते हैं तो हम पे इतना कम्फर्ट नहीं हो पाता, यहाँ देखिए सब लोग परेशान होते हैं, टीचर से लेके सब लोग परेशान होते हैं, तो यहाँ पता नहीं कौन कब आके कौन सही कराएगा समझ नहीं। कभी अधिकारी यहाँ आके चेक किए हों? ये तो मैम नहीं बताएंगे, सभी तो मैं आपसे दूंगा, तो एक बार डिस्कस करते हैं मैम से। आदम गोड़वी के शब्दों में शिक्षा विभाग पर उनकी एक कविता सटीक बैठती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव और मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। रिपोर्टर्स पेज के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देववार्ष्णेय की रिपोर्ट।